Hello student, welcome to online classes. Today I am going to teach you geography of class 7. Our topic is inside of earth. I will discuss some points. Swiss Mohoday, inside the earth, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे क्रस्ट, मेंटल कोर या सियांग सीमा नीथे एंड लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर या बायोस्फीयर भी कहा जाता है। तो डिफरेंस नेम स्विस महोदय ने केमिकल थ्योरी के आधार पर अर्थ को इनसाइड द अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के अंदर का जो बनावट है, उसके केमिकल थ्योरी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे सियांग सीमा नीथे कहते हैं। पृथ्वी के सबसे अपर पार्ट जिसे क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट को हम लोग कह सकते हैं लिथोस्फीयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यह अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट है। एंड इसकी जो टोटल लेंथ होती है, इसी में सियाल एंड सियाल सिंगल एंड अल्मुनियम की बताता है, और टोटल जो थिकनेस है वो 60 किलोमीटर है। एंड अर्थ सियाल का सबसे अपर पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, एंड क्रस्ट को हिंदी में भूपरपटी कहते हैं, एंड भूपरपटी का जो थिकनेस है वो 60 किलोमीटर है, ये काफ़ी हार्ड बना हुआ है। इसी को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसी में है ना लाइफ सर्वाइव करते हैं। एंड अर्थ का भी कहा जाता है एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। वाई इसको यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट अर्थ पर हैं यूनिवर्स में, उसमें से लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ, जो 0 to 50 degree लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो किसी भी प्लैनेट पर नहीं है, ओनली अर्थ पर है। तो ये टेम्परेचर भी मेंटेन किस तरह से है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बट आज क्रस्ट है ना इनसाइड द अर्थ, तो क्रस्ट एक मेन पार्ट है। क्रस्ट को पृथ्वी की सबसे अपर पार्ट कहा जाता है, इसकी टोटल थिकनेस 60 किलोमीटर, 8 एलिमेंट्स एंड 6 टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मेनली जो अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट है उसे हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है ना, यानी क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, या हम लोग इसको इस तरह से भी सियाल कह सकते हैं। सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं कि ओनली सिलिकन एल्यूमिनियम, ए लॉट ऑफ मिनरल्स, बट सबसे हाई यानी कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में सिलिकन एंड एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, इसीलिए उसे सियाल कहा गया। और यह सबसे हल्की परत भी है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है। तो इस तरह से कहा जाता है कि क्रस्ट हम लोग आउटर मोस्ट लेयर है। अब यहाँ पर से सबसे पहली बात आती है कि एट द टाइम ऑफ अर्थ इज ऑल्सो द टेम्परेचर वॉज 40,000 सेंटीग्रेड। डिफरेंस साइंटिफिक ने एक मत दिया है कि जिस समय पृथ्वी की फॉर्मेट हुई थी उस समय अर्थ का टेम्परेचर 3,000 सेंटीग्रेड से एबव था, है ना। तो इस तरह से 3,000 से एबव, तो सपोज यहाँ पर लाइफ के लिए तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है लाइफ, बट धीरे धीरे कहा जाता है कि टेम्परेचर कम होते गया और एक अनुकूल तापमान बना जिसके चलते अर्थ पर लाइफ है, जिसमें 1749 में फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि एक अर्थ का उत्पत्ति के बारे में जो थ्योरी दिए थे, कॉमेट थ्योरी कहा जाता है, कास्ट द फन, ये फ्रांस के साइंटिफिक ज्योग्राफिकल साइंटिफिक थे, जिन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने एक थ्योरी दिए थे कॉमेट थ्योरी, जिसे हम लोग बोलते हैं भूसल तारा का सिद्धांत। एक बहुत बड़ा पिंड वो सूर्य के नजदीक आया और सूर्य से टकरा गया, और टकरा जाने के बाद में वो 9 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसी में से एक अर्थ। नेक्स्ट 1755 में कांत महोदय ने, इमोनियल कांत महोदय ने एक थ्योरी दिए थे निहारिका का थ्योरी। उनका मानना है कि नहीं, अब जो यूनिवर्स का उत्पत्ति हुई है, प्लैनेट की उत्पत्ति हुई है, वो सूर्य का टुकड़ा से होगा, और सूर्य का टुकड़ा से भी अर्थ आया, क्योंकि अर्थ का जिसमें फॉर्मेट हुआ था उसमें 4,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो देयर आर टू साइंटिफिक ज्योग्राफिकल थ्योरी, निहारिका थ्योरी एंड कॉमेट थ्योरी। इस तरह से यहाँ प्रूव होता है कि पृथ्वी का जो जिसमें उत्पत्ति हुई थी उसमें उनका टेम्परेचर 4,000 सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट, तो इसका हम लोग प्रश्न सेकेंड सियाम, हम लोग सियाम उसे बोलते हैं सिल्कन एल्यूमिनियम। सेकेंड पार्ट आता है मेंटल, जिसे हम लोग मिडिल पार्ट कहते हैं। मिडिल पार्ट मीन्स हम लोग कह सकते हैं मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, इसे मेसोस्फीयर भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम मेसोस्फीयर। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसको सीमा, सिल्कन एंड एल्यूमिनियम, सिल्कन एंड एल्यूमिनियम या सिल्कन एंड मैग्नीशियम। इसका टोटल थिकनेस 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर इसकी गहराई है, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, बट सिल्कन एंड मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सीमा कहा गया है। एंड और यहीं से कहा जाता है कि वाल्केनो, वाल्केनो जो ज्वालामुखी का उद्गार होती है, ये मिडिल पार्ट से होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेंटल, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल या मेसोस्फीयर, या उसे हम लोग बोल सकते हैं सीमा, सिल्कन एंड मैग्नीशियम, जितने भी अर्थ का फॉर्मेट होता है। इस तरह से कहा जाता है कि, और लास्ट पार्ट आता है कोर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो इस तरह से इसमें हम लोग बोलते हैं नीफेन, निकेल एंड फेरस, निकेल एंड फेरस। एंड टोटल जो थिकनेस इसके है 6000 किलोमीटर, अर्थ यानी निकेल एंड फेरस, जिसको बोलते हैं एक धात्विक, जितने भी एलिमेंट्स है वो अर्थ के मिडिल पार्ट का सबसे इनर साइड में है। तो यहाँ पर से दो बताए जिसमें अर्थ का फॉर्मेट हुआ था उसमें उसका टेम्परेचर सबसे अधिक था। सो नेफे निकेल एंड फेरस एक धात्विक कोड है, एंड इसका जो डेंसिटी एंड कहा जाता है कि घनत्व होते हैं वो 11.2 से एबव होता है, 11.2 से एबव होता है। इस तरह से कहा जाता है कि जो अर्थ का जो इनसाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल सीमा, नीफे, इस तरह से इसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को हम लोग किस पार्ट से डिवाइड करेंगे, आपको डायग्राम यहाँ पर बता दिया गया है। इसे सियाल सीमा नीफे भी करते हैं, और सिल्कन सबसे कहा जाता है कि आउटर पार्ट है, मिडिल पार्ट की सीमा, एंड इनर साइड में कहा जाता है सबसे अंदर का जो है इसे हम लोग कोर भी बोलते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसे हम लोग कोर कहते हैं, ऐसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट एंड कोर, इस पार्ट को कोर कहा जाता है। तो इस तरह से निकल इसका जो घनत्व होते हैं 11.2 से अधिक होते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी अर्थ का कहा जाता है रेडियस के बारे में पूछता है, 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर रेडियस। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन गोइंग इनसाइड, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं 32 किलोमीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड 100 किलोमीटर जाएंगे तो 12 डिग्री यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एंड आफ्टर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है। सपोज जिस रेशियो से टेम्परेचर बढ़ रही है, उस रेशियो से टेम्परेचर सपोज बढ़ते जाना, तो इस अर्थ पर लाइफ होता ही नहीं। तो 100 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर कम होता है ना, एंड 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर अंदर जाने पर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर जो है डिक्रीज होते हैं, 100 किलोमीटर 12 डिग्री, आफ्टर 100 किलोमीटर डिक्रीज होना शुरुआत हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इनसाइड द अर्थ जो पृथ्वी का जो बनावट है, आंतरिक संरचना, उसके इस पार्ट में। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस रॉक्स। थैंक यू वेरी मच।